हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिलेनियम ट्यूटोरियल। अब हम देखेंगे कि कैसे जब भी हम पेज खोलते हैं सिलेनियम में, किसी भी वेब पेज को खोलते हैं, तो हम उसको वैलिडेट कैसे करते हैं कि क्या एक्चुअल में वो पेज खुला या नहीं खुला, कहीं हमने गलत पेज तो नहीं खोल लिया। तो इसका एक सिंपल तरीका है कि आप किसी भी एलिमेंट को उस पेज के जो यूनिक हो उस पेज के लिए उसे वैलिडेट करें, उसके टेक्स्ट को या किसी एट्रीब्यूट को वैलिडेट करें, तो आपको पता चल जाएगा कि वो पेज सही खुला है या नहीं खुला है। ये एक सिंपल तरीका है, वरना कई और फ्रेमवर्क्स भी आते हैं जो पूरे के पूरे पेज को, जैसे गैलन फ्रेमवर्क है या और यूआई के फ्रेमवर्क्स हैं, वो पूरे के पूरे पेज को मैच कर लेते हैं कि आपका पेज सेम है या नहीं है। और गैलन भी जैसे सिलेनियम पे ही डिपेंडेंट है, तो वो सिलेनियम के साथ भी यूज कर सकते हैं अलग से। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे एक सिंपल से वैलिडेशन वो हम करते हैं। तो एक क्लास बनाएंगे, और उसके बाद इसमें एक मेन मेथड जैसे हम करते हैं वैसे बनाएंगे, एक ड्राइवर ऑब्जेक्ट। और फिर नेविगेट करेंगे हम रेडिफ पे ही, जो हम पहले यूज कर रहे थे। क्रोम ड्राइवर को इंपोर्ट किया। अब हम क्लिक करेंगे रेडिफ मेल को, जो हमने पहले भी किया था। एक बारी फिर से ब्राउजर खोलेंगे, और ब्राउजर में rediffmail.com पे जाएंगे। ब्राउजर दो बार खुल गया। अब इसके बाद जो मेरे पास एक rediff mail है, उसको इंस्पेक्ट करेंगे। तो इसके टेक्स्ट से हम पहले उठा रहे थे, और ये टेक्स्ट मेरा एक्सपाथ है, तो ये आईडी की जगह एक्सपाथ होगा। और इसके बाद मैं इस पर क्लिक कराऊंगा, वेब एलिमेंट टेस्ट टेस्ट डॉट क्लिक। अब इसके बाद हम जब इसे एग्जीक्यूट करेंगे, तो इस टाइम हम देख पाएंगे कि एक्चुअल में वो क्लिक हुआ या नहीं हुआ। लेकिन मान लो कि आप कोई सूट लगा चला रहे हो, इसके लिए हमें एक सिस्टम प्रॉपर्टी सेट करनी थी क्रॉम ड्राइवर के लिए, जो हमने नहीं की। तो यहां पे उसकी वैल्यू आएगी, ड्राइवर्स हमारे यहां है, इनका पाथ देंगे हम। तो मैंने ये सेट कर दिया और क्रोम ड्राइवर का पाथ दे दिया, और फिर इसके बाद इसे एग्जीक्यूट किया। अब मैंने यहाँ क्रोम ड्राइवर में ये वैल्यू सॉरी क्रोम ड्राइवर में मैंने ये यूआरएल पास किया है, तो इसने क्या किया, rediff.com पे इसने खोलना,
और आगे हमने क्या कहा इसे क्लिक करने को, तो हमें यहाँ दिख रहा है ये सब कुछ यहाँ दिख रहा है होता हुआ। लेकिन अगर आप कोई टेस्ट सूट चला रहे हैं या ऑटोमेशन आपका बैकग्राउंड में चलता है या किसी और मशीन पर चलता है, तो आप हर बार देख नहीं पाएंगे। तो आपको कैसे पता कि एक्चुअल में वो उस पे नेविगेट कर रहा है या नहीं कर रहा? तो उसके लिए आपको कुछ वैलिडेट करना होगा। लेट से ये जो पोर्शन है ये आपका हमेशा आता है। लेट से इसको इंस्पेक्ट करके देखते हैं एक बारी। इसे नीचे मूव करेंगे। ये जो पूरा का पूरा सेक्शन है इसमें से आप कुछ भी उठा सकते हैं। जैसे ये है, इससे आप क्रिएट अ न्यू अकाउंट टेक्स्ट जो आपका आ रहा है यहाँ पर, रेडिफ मेल क्लिक करेंगे, फायरबग खोलेंगे, इस टेक्स्ट को यहाँ डालेंगे और चेक करेंगे एक ही मैच है। तो आप इस वाले टेक्स्ट को उठा के एक वेब एलिमेंट उठाएंगे, चेक नाम रख देते हैं इसका, और इस वाले एक्सपाथ को यहां पर कॉपी करेंगे और सिंपली आप कंपेयर कर लेंगे कि इफ चेक डॉट गेट टेक्स्ट इज इक्वल टू क्रिएट अ न्यू अकाउंट। देन टेस्ट केसेस पास, एल्स फेल। और यू कैन से लाइक थ्रो एक्सेप्शन, वट एवर एक्सेप्शन यू वॉन्ट टू थ्रो यू कैन थ्रो। तो यहां पर आप आईओ या लाइक मिसमैच या कुछ भी एक्सेप्शन आप पास कर पा के उसको थ्रो करवा सकते हैं। दो ये बेस्ट तरीका नहीं है, ये एक सिंपल तरीका मैंने आपको बताया। अभी के लिए हम ऐसे ही करेंगे, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इससे बेटर वे में कैसे कर सकते हैं। तो अभी फिर से हमने क्रोम को खोला, तो ये हम क्लोज कर देते पुराने ब्राउजर। अभी से रेडिफ मेल पे जाना है, क्लिक करना है और उसके बाद देखना है कि क्या वो टेक्स्ट प्रेजेंट है, और वो हमें बताएगा कि टेस्ट केस पास है या फेल है। तो ये पेज लोड होगा। तो अब जब ये पेज लोड हुआ तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया, पास। तो मतलब हमारा ये टेस्ट केस पास है। लेकिन मान लो यहां पर उसे वो टेक्स्ट नहीं मिलता। लेट से मैं अभी एलिमेंट को ही चेंज कर देता हूं किसी जिस पे वो क्लिक कर रहा था। एक बार वापस जाएंगे, मान लो मैं मनी पे क्लिक करवाना चाहता हूं, तो मैंने यहां मनी पे क्लिक करवाया। तो मेरा पहले ही जो एक्सेप्शन आएगा वो आएगा एलिमेंट नॉट फाउंड, तो यहां तक कोड पहुंचेगा ही नहीं। अगला टेस्ट केस मैं टेक्स्ट चेंज करके करूंगा। तो अभी के लिए हम इसको पहले ये देख लेते हैं, इसने यहां क्लिक किया मनी के लिए। कंसोल खोल लेते हैं यहां पे।
तो यहाँ मनी पे क्लिक होने के बाद उसने दूसरा पेज खोला है, अब ये लोड हो रहा है। और इसके बाद यहां पर जो आया कि एलिमेंट नॉट, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, एलिमेंट नॉट फाउंड। तो अगर आप यहां पर इसे वापस रेडिफ मेल करके यहां पर टेक्स्ट चेंज कर देंगे, और दोबारा एग्जीक्यूट करेंगे, या पुराने ब्राउजर क्लोज कर देते हैं, दोबारा एग्जीक्यूट करेंगे तो टेस्ट केस फेल होगा, क्योंकि हमने जो टेक्स्ट एज्यूम किया है वो डिफरेंट है जो टेक्स्ट एक्चुअल में आएगा। तो यहाँ टेस्ट केस फेल हो जाएगा। पॉपअप को क्लोज किया, यहां पर हमने सब कुछ सही किया, क्लिक भी किया और पेज भी नेविगेट हो गया सही जगह पे, लेकिन जो टेक्स्ट हम अज्यूम कर रहे हैं वो डिफरेंट है, तो यहां पर फेल आ गया। तो ये एक तरीका था कि कैसे हम वैलिडेट कर सकते हैं। लेकिन एक टेस्ट चेंज ही अपना एक असर्ट मेथड देती है, उसको हम अगले ट्यूटोरियल में चेक करेंगे और यूज करेंगे। उसमें आप डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज को, स्ट्रिंग्स को, बुलियंस को, सब टाइप ऑफ कंपैरिजंस अवेलेबल है। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।